हेलो एवरीवन, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो प्रीवियस मल्टीप्लेक्सर टॉपिक का कंसेक्यूटिव है। ओके, इससे पहले जो मैंने मल्टीप्लेक्सर का टॉपिक पढ़ाया है उस लेक्चर को पहले देख लेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको आगे का प्रोसेस समझ में आ जाए। तो पहले वाले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है, मल्टीप्लेक्सर कैसे डिजाइन करते हैं, उसका लॉजिकल सर्किट डायग्राम कैसे क्या होता है, स्विचिंग सर्किट डायग्राम कैसा होता है, उसका ट्रुथ टेबल क्या होता है, सेलेक्ट लाइन कैसे काम करता है, ये सारा चीज मैंने अपने इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मल्टीप्लेक्सर को कहा जाता है वर्सिटाइल कॉम्बिनेशनल सर्किट। बताया मैंने कि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है आईसी डिजाइन में, डिजिटल आईसी डिजाइन में। तो ये क्यों यूज होता है, तो उसका एक रीजन ये है कि मल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाता है यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह, यानी किसी भी लॉजिक गेट को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर मक्स। तो हम लोग इससे पहले एक और मैंने लेक्चर मैंने एक्सप्लेन किया था कि नैंड एंड नॉर जो है दो ऐसा लॉजिक गेट है जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉजिक गेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन दोनों को यूज करके हम लोग बाकी सारे बेसिक लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं। वैसा ही यहां पे पढ़ा हम लोग पढ़ सकते हैं कि मक्स क्या है, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट है, एक ऐसा बेसिक सर्किट है, ठीक है, जिसका यूज करके हम लोग सारे लॉजिक गेट को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जितना भी लॉजिक गेट है, नैंड, नॉट, एंड, और, एक्सऑर, एक्सनॉर, जो भी है नॉर, सारे को हम लोग डिजाइन कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सर से। तो देखते हैं कैसे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक एक बारी बारी से देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। मैं दो तीन चार को एक्सप्लेन करूंगा, बाकी दो आपके लिए छोड़ दूंगा, आप एक्सप्लेन करेंगे खुद से। ओके, तो देखिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं ताकि बारी बारी से एक्सप्लेन करता चल जाऊं। देखिए सबसे पहला बात जो कर रहा हूं वो क्या है, नॉट गेट के बारे में बात कर रहा हूं कि मल्टीप्लेक्सर मक्स को यूज करके हम नॉट गेट कैसे बनाएंगे। तो यहां देख रहे हैं कि 2:1 मक्स है। तो मैंने बताया था 2:1 मक्स का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, एस बार आई नॉट एस आई वन। मैंने प्रीवियस क्लास में ये एक्सप्लेन किया है, अगर आप नहीं देखे तो पहले प्रीवियस क्लास का लेक्चर देख लें जाकर। तो आउटपुट क्या होता है, वाई बराबर एस बार आई नॉट एस वाई वन, एस आई वन सॉरी आई जीरो होता है और आई वन होता है। तो हम आई जीरो पे कितना रखेंगे, आई वन पे कितना रखेंगे कि ये कन्वर्ट होने के बाद हमको क्या दे, आपको जो इनपुट अप्लाई कर रहे हैं यानी जो सिलेक्ट लाइन पे जो वेरिएबल है उसका कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म आ जाए। यानी हमको क्या चाहिए, नॉट चाहिए। नॉट क्या होता है, नॉट गेट ये होता है, बेसिक पता है कि नॉट गेट क्या होता है भाई, कि यहाँ पे ए अगर अप्लाई कर रहे हैं, ये वाई है, तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, वाई बराबर ए बार आना चाहिए, यही ना नॉट गेट है। लॉजिक गेट का मैंने जो लेक्चर बनाया उसमें देखिएगा जाकर ध्यान से, तो नॉट गेट क्या होता है, यही होता है बेसिक, वाई बराबर ए बार होना चाहिए। तो अब हम लोग बात करने जाने हैं ये हो जाए कैसे। तो हम लोग सेलेक्ट लाइन को देखेंगे, यहाँ पे इसका आउटपुट क्या लिखाएगा, यहाँ पे देखिए आउटपुट तो बेसिक होता है 2:1 मक्स का आउटपुट क्या होता है भाई, तो मैंने कहा था कि देख लीजिएगा एस बार आई जीरो प्लस एस आई वन होता है। ओके, तो अब देखिए सेलेक्ट लाइन यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट लाइन की जगह ए दिया हुआ है। ओके, सिलेक्ट लाइन की जगह हम लोग क्या रख दिया, ए रख दिया। आई जीरो की जगह कितना वैल्यू रख दिया, वन, और आई वन की जगह कितना रख दिया, जीरो, ठीक है। और अब देखेंगे इसका आउटपुट वाई क्या हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली एस, एस की जगह क्या है आपको, एस की जगह ए है, तो एस बार कितना हो जाएगा, ए बार इंटू आई जीरो, आई जीरो देखिए तो आई जीरो में क्या, आई जीरो की जगह वन है, तो आई जीरो की जगह वन रखाएगा, प्लस एस, एस की जगह क्या रखाएगा, ए इंटू आई वन, आई वन की जगह क्या है, देखिए तो यहां आई वन की जगह जीरो है, तो आई वन की जगह जीरो, तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू वन यानी ए बार प्लस ए इंटू जीरो यानी जीरो, यानी क्या आएगा, ए बार, ये किसके बराबर आ गया, वाई के बराबर आ गया। तो इससे क्या पता लगा कि आपका आउटपुट जो आया वो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ये नॉट गेट हो गया। यानी हमको ये समझ में आया कि अगर हम लॉजिक गेट 2:1 मक्स, सॉरी हम लोग अगर मल्टीप्लेक्सर को 2:1 मल्टीप्लेक्सर को इस तरह से अरेंज करें कि उसके सेलेक्ट लाइन पे ए अप्लाई करें, उसके इनपुट लाइन पे आई जीरो पे वन अप्लाई करें और आई वन पे क्या हो, जीरो अप्लाई करें, तो ये वाई जो देगा वो क्या देगा, ए का कॉम्प्लीमेंट देगा, हमेशा ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये नॉट गेट की तरह वर्क करने लगेगा, ठीक है, ये नॉट गेट की तरह वर्क करने लगेगा। तो ये बेसिक था, एकदम सिंपल चीज है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए, फिर से स्टार्टिंग से इस वीडियो को प्ले करके देखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, सेकंड और गेट, उसी तरह से इसमें और गेट में बनाया गया कि सिलेक्ट लाइन पे ए ही रखा गया, आई जीरो पे बी रखा गया, आई वन पे वन रखा गया। ओके, और आउटपुट देखा गया क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, सिंपली वैसे ही सेम 2:1 मार्क्स है, तो क्या हो जाएगा, एस बार आई जीरो, ये तो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, पहले ही मैंने कह दिया कि ये बुलियन एक्सप्रेशन 2:1 मार्क्स का होता है, एस बार आई नॉट और एस आई वन। अब हमको कहां कहां क्या रखना है ये देखना है, सबसे पहला काम एस, एस बराबर क्या है, ए, आई जीरो कितना रखा हुआ है, देखिए आई जीरो कितना है, बी, और आई वन कितना रखा हुआ है, वन, इसको रख दीजिए यहां पे, सिंपली क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, ए बार आई जीरो कितना है, बी, एस कितना है, ए, आई वन कितना है, वन, क्या हो गया, ए बार बी प्लस ए। ओके,
डिस्ट्रीब्यूटिव ला यहाँ पे मालूम है लगता है, ठीक है। तो ए प्लस ए बार, ठीक है, इनटू क्या लिखा है, ए प्लस बी। ए प्लस ए बार क्या होता है, बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम में ए प्लस ए बार वन होता है, और ए प्लस बी, ओके। तो ये क्या लिखाएगा, ए प्लस बी। बार बार मैं आप लोगों से एक बात रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर मैं जैसे जैसे स्टेप मतलब वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाता जा रहा हूं, पीछे का लेक्चर अगर आप देख चुके हैं तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये बुलियन अलजेब्रिक थ्योरम आप अगर पीछे के लेक्चर से पढ़े हैं तभी आप ये कर पाएंगे, और अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा। लॉजिक गेट जो बेसिक मैंने पहले लेक्चर बताया है, लॉजिक गेट सारा एक्सप्लेन किया है पहला दूसरा लेक्चर में, तो अगर वो पढ़े हुए हैं तब आपको लॉजिक गेट समझ में आया कि नॉट गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, और नैंड गेट कैसा होता है, एक्सॉर कैसा होता है। अगर आप वो नहीं पढ़े तो यहां समझ में नहीं आएगा। तो मैं बार बार रिपीट करता हूं इस चीज को कि आप कुछ भी आगे बढ़ने से पहले पहले पीछे का सारा लेक्चर जरूर देखिए, उसको समझिए क्या हो रहा है, देन आगे बढ़िए, तब आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इजी लगने लगेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत हार्ड लगेगा, ओके। तो देखिए अभी हम लोग आगे देख रहे हैं नॉर वगैरह का, तो ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो इससे पहले हम एक्स नॉर देख लेते हैं एक, और उसके बाद नॉर देखेंगे, बाकी आप लोग के लिए छोड़ देंगे दोनों, नैंड एंड एक्स नॉर आप लोग खुद कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्स और को देख लेते हैं, एक्स और। तो अगर कोई पूछे कि बताइए एक और गेट को बनाने में कितना 2:1 मक्स लगाया, तो एक ही लगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएबल हम अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको आउटपुट मिल जा रहा है। एक नॉट गेट को बनाने के लिए कितना 2:1 मक्स लगाया, तो एक ही लगा, ठीक है। अब हम एक्स और में आते हैं, एक्स और, ठीक है। पहले से मालूम होना चाहिए कि एक्सॉर लॉजिक गेट का आउटपुट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार होता है, ये हमको आउटपुट में लाना है मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। तो हम एक मल्टीप्लेक्सर ले लिया 2:1 का, ओके। 2:1 में क्या होता है, ये दोनों इनपुट होता है, ये आपका सिलेक्ट लाइन होता है, सिलेक्ट लाइन होता है, और ये आपका आउटपुट होता है। तो हमको देखना है कि 2:1 में कौन टर्मिनल पे मतलब इनपुट पे क्या अप्लाई करेंगे, सिलेक्ट लाइन पे क्या अप्लाई करेंगे, और आउटपुट पे क्या अप्लाई करेंगे, ताकि मेरा जो फाइनल आउटपुट आ जाए वो इतना आ जाए, ठीक है। तो मैंने इसको यहां अरेंज कर दिया है, यहां देखिए ये आपका सिलेक्ट लाइन पे ए अप्लाई कीजिए, I0 पे बी अप्लाई कीजिए, और I1 पे बी बार अप्लाई कीजिए, तो आपका जो वाई आएगा वो सेम ऐसा आ जाएगा, देखिए। तो अप्लाई करके देख सकते हैं क्या क्या अप्लाई करना है हमको, सिलेक्ट लाइन पे ए अप्लाई करना है, ठीक है, सिलेक्ट लाइन पे ए दिखाई दे रहा है, देखते जाइएगा। इनपुट पे यहाँ बी अप्लाई करना है, और यहाँ पे इनपुट पे क्या अप्लाई करना है, बी बार अप्लाई करना है, और वाई को देखना है। तो मालूम है कि वाई का एक्सप्रेशन मल्टीप्लेक्सर के लिए क्या होता है, एस बार I0 प्लस एस I1, ये बार बार मैं लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, I0 होता है, ये क्या होता है, I1 होता है, और ये S होता है, मालूम है, ठीक है। तो अब चलते हैं, रखते हैं बारी बारी से, यहां देखते हैं S बराबर कितना है, A है, I0 बराबर कितना है, B है, और I1 बराबर कितना है, B बार है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, S बार यानी A बार हो जाएगा, I0 यानी कि B हो जाएगा, प्लस S मतलब A, और I1 का मतलब B बार, तो ये क्या दे देगा, A बार B प्लस A B बार। देखिए तो यही आउटपुट लाना था हमको, सेम है, सेम आ गया। तो यानी ये जो है, ये मल्टीप्लेक्सर जो है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, एक XOR गेट की तरह काम कर रहा है। जब हम इस तरह से सेलेक्ट लाइन ए रखेंगे और आउटपुट को क्या, इनपुट को क्या करेंगे, बी बी बार। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, हर जगह जितना भी आप मल्टीप्लेक्सर देख रहे हैं सब में सेलेक्ट लाइन फिक्स रखे हुए हैं, हमें सब जगह सेलेक्ट लाइन जो है सब जगह फिक्स है ए, और इनपुट जो है वो आपका चेंज कर रहा है, या तो जीरो या वन या बी बार, यही है, यही चार में से कोई एक होगा, जीरो वन बी बार, यही चल रहा है, ओके। तो अब देखिए, अब कोई पूछेगा कि ये एक्सॉर गेट जो बनाया है बाय यूजिंग 2:1, इसमें कितना मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 2:1 मल्टीप्लेक्सर कितना यूज होगा, तो आपको दिखाई तो एक दे रहा है बेसिकली, कह दीजिएगा एक नहीं, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क देखिए, इसके इनपुट में मैंने बी भी इस्तेमाल किया और बी बार भी इस्तेमाल किया, ओके, बी बार भी इस्तेमाल किया, यानी कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट भी अप्लाई किया, जबकि इन दोनों में देखिए कोई भी इनपुट आपका कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट नहीं है, डायरेक्ट इनपुट है, ए है या वन है या बी है, ए है, जीरो है, वन है, कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट अप्लाई है, बी बार। तो कॉम्प्लीमेंट कहां से आएगा, मालूम है हमको कि नॉट गेट एक बनाना पड़ेगा हमको मल्टीप्लेक्सर से, एक मल्टीप्लेक्सर से एक नॉट गेट बनाना पड़ेगा, और उसका आउटपुट जो निकलेगा, यानी यहां पे बी रखना पड़ेगा, उसका आउटपुट जो निकलेगा उसको लाके यहां जोड़ना पड़ेगा। तो नॉट गेट से जो आउटपुट निकलेगा उसको लाके यहां जोड़ेंगे, यानी एक मल्टीप्लेक्सर नॉट गेट बनाने के लिए लगेगा और दूसरा मल्टीप्लेक्सर ऐसा बनाएंगे, तब जाके ये दोनों मिलकर बनाएगा एक्सॉर गेट, ठीक है। मैंने यहां पे ड्रा नहीं किया, यहां पे डायरेक्ट बी बार लिख दिया, लेकिन अब यहां पे ड्रा करके आपको दिखा रहा हूं कैसा बनेगा, ओके, देख लीजिए एक बार, ताकि आपको कोई सवाल पूछे तो आप इसका आंसर कर पाए इजी, ठीक है। तो पहला काम क्या है, मुझे बी बार चाहिए,
मालूम है ये बी बार चाहिए, तो बी बार कहां से आएगा, पहले हम एक नॉट गेट बनाएंगे 2:1 से, ये 2:1 ले लेंगे, हम बताया कि सिलेक्ट लाइन फिक्स रहेगा ए, ठीक है। इनपुट में क्या क्या रखना है आपको, इनपुट में क्या रखना है 1 0। देखिए यहां पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या लेना है, बी बार लाना है, तो बी बार लाना है, ये अगर ए यहां रखेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट देने लगेगा, इसलिए हम इसको बी रख के बनाते हैं, सिलेक्ट लाइन को यहाँ पे बी रख के बनाते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे आउटपुट में क्या चाहिए, बी बार चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट लाइन को बी कर दिया, अब क्या है जैसे ही इसका आउटपुट देखिएगा तो ये सेम इसकी तरह है, देखिए तो सेम है ना, यहाँ पे ए था यहाँ पे हम बी कर दिया, तो यहाँ वाई बराबर ए बार दे रहा था, तो यहाँ क्या देगा, वाई बराबर क्या देगा, ये बी बार देगा। अब इसके आउटपुट को उठा के कहां ले आके जोड़ेंगे, दूसरे मल्टीप्लेक्सर 2:1 का मल्टीप्लेक्सर जो है, ठीक है, 2:1 का जो मल्टीप्लेक्सर है इसमें ले आके जोड़ेंगे, जिसमें यहां पे क्या है बी है, और यहां पे क्या आ जाएगा, ये से आ रहा है बी बार आ रहा है, ठीक है, और ये क्या है सिलेक्ट लाइन आपका ए है और ये वाई, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, ये इसको इससे मिलाइए, ठीक है, देखिए तो ये बी टर्मिनल यहां है, बी टर्मिनल वैसे ही, ये बी बार जो है वो कहां से आ रहा है, इससे होते हुए निकल के यहां बी बार आ रहा है, ये ए इसकी तरह यहां ए है, वाई यहीं पे वैसे सेम है, सिर्फ फर्क क्या हुआ, बी बार को मैंने ब्रेक करके एक मल्टीप्लेक्सर यहां पे अलग से बना लिया, जो कि नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ठीक है, 2:1 का नॉट गेट है, नॉट गेट से हमको क्या मिला, बी से बी बार मिल गया, बी बार जब मिल गया तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये पूरा इतना क्या दे दिया हमको, एक्सॉर गेट दे दिया। तो ये है एक्सॉर गेट बाय यूजिंग क्या, 2:1 मक्स को यूज करके ये एक XOR गेट बनाया गया है, ठीक है। आप पूछेगा कोई कितना 2:1 मक्स लगा है, तो कितना लगा, 1 यहां इसको इन्वर्ट करने में लगा, 1 यहां इसको कंबाइन करने में लगा, ठीक है, तो टोटल कितना लगा, 1+1 दैट इज 2, 2:1 मक्स लगा, ओके, 2:1 मक्स लगाया। तो यहां पे लिख लेते हैं, एक नोट में नोट डाउन करके लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ 2:1 मक्स कितना लगेगा, तो 1+1 दैट इज 2 लगेगा। क्यों 1+1, 1 जो यूज हो रहा है, पहला 2:1 मक्स जो यूज होगा वो b को क्या करेगा, b कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेगा, और दूसरा जो 2:1 मक्स है वो एक XOR में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ये नोट डाउन, ओके। पिक्चर कैसा कंप्लीट बनेगा, पिक्चर ऐसा बनेगा, आप कैसे बनाइएगा, एग्जाम में अगर बनाने के लिए आए तो ऐसे करके आप दिखा सकते हैं, या फिर साफ साफ बनाना है तो सिंपली बनाइएगा, कुछ नहीं ऐसे करके दिखाइएगा, इसका आउटपुट निकाल के यहाँ पे इसका आउटपुट हम डायरेक्ट दिखाइएगा कि दूसरे मल्टीप्लेक्सर में जाके ऐड हो जा रहा है, और यहाँ पे बी दिखा दीजिएगा, ये बी बार हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली ए हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2:1 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ भी 2:1 लिख दीजिएगा, ओके। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सॉर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसी तरह से एक्सनॉर है, तो इसमें कोई पूछेगा कितना 2:1 लगा हुआ, तो देखिए यहां भी इनपुट क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट वाला इनपुट है बी बार, तो यहां भी कितना लगेगा, 1+1 दैट इज 2 मक्स लगेगा। ये आप खुद से करके देखिएगा प्रूफ कि एक्सनॉर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक्सनॉर का आउटपुट क्या होता है, मैंने बता रखा है पहले से, आप लॉजिक गेट वाले वीडियो लेक्चर में दिखाया है कि एक्सनॉर का आउटपुट क्या होता है, और यहाँ पे आउटपुट लाने के बाद देखिएगा कि ये एक्सनॉर के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका टास्क है, ये भी आपका टास्क है, और ये भी आपका टास्क है, तीन आप खुद से ट्राई करेंगे। ये तीनों का आपको पहले लॉजिकल एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि लॉजिकल एक्सप्रेशन आउटपुट में क्या लाना है, ठीक है, और देखना है कि अब मल्टीप्लेक्सर से वही चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा। तीनों मैंने जैसे ऊपर बताया वैसे ही तीनों आप नीचे में ट्राई करेंगे। मैं लिख देता हूं आउटपुट सबका, लिख देता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए, ठीक है। ये वाई क्या लाना है, इसमें यहां पे आएगा ए बार बी बार प्लस ए बी आना चाहिए, ठीक है। यहां क्या आना चाहिए, नॉर का ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, और यहां क्या आना चाहिए, ये नैंड है, तो नैंड का आउटपुट क्या होता है, ए इंटू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आउटपुट ये सारा आपको लाना है, ठीक है, और बताया हुआ है कि वाई का एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब जब हम बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं वाई का मल्टीप्लेक्सर के फॉर्म में, तो ये ऐसा होता है। जैसे ऊपर वाला मैंने इम्प्लीमेंट किया, सेम आपको ये करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, अगर आप कर पा रहे हैं तो आप मल्टीप्लेक्सर सीख रहे हैं, और अगर आप सोचेंगे छोड़ो ना हो जाएगा, स्किप कर जाते हैं, तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे। ये भी मैं लिख कर दे रहा हूं, एग्जाम में करने जाएंगे आप गलती करके आएंगे 100%, क्योंकि आपने यहां प्रैक्टिस नहीं किया, ठीक है। तो जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाते हैं खुद से 2-4 क्वेश्चन, वो एग्जाम में गलती नहीं करते हैं, जो प्रैक्टिस करके नहीं आते वो अक्सर गलती करके आते हैं। चलिए आइए, फाइंड आउट द मार्क्स, फाइंड आउट, ठीक है, फाइंड आउटपुट ऑफ द मार्क्स शोन बिलो, कह रहा है इसका आउटपुट बताना है सिंपली, ठीक है। तो ये कितने वेरिएबल का है, देखिए ये बताया मैंने कि ये कितना कौन सा, ये 4:1 मक्स है, दिखाई दे रहा है, 4 इनपुट है, 1 आउटपुट है, 2 सेलेक्ट लाइन है, 4:1। इसका मालूम है, क्या मालूम आपको, कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है आउटपुट का, हर जगह याद रखिएगा, लॉजिकल एक्सप्रेशन आउटपुट का रख देना, बस काम खत्म। तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा था, क्या लिखा है, तो देखिएगा पीछे पलट के, उसके पहले S1 S0 बार
फिर क्या होता है आई जीरो, फिर क्या हो जाएगा एस वन बार एस जीरो आई वन, फिर क्या हो जाएगा एस वन एस जीरो बार, फिर क्या हो जाएगा आई टू प्लस एस वन एस जीरो आई थ्री, यही होता है। ठीक है, ये बताया मैंने कि 4:1 मार्क्स का आउटपुट एक्सप्रेशन ये होता है। तो अब इसमें पता है आपको कि एस वन का वैल्यू कितना रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए रखना है, एस जीरो का क्या रखना है बी रखना है, यहां दिया हुआ है, और क्या बोल रहा है आई जीरो का वैल्यू कितना दिया जीरो, आई वन का वैल्यू कितना दिया हुआ है वन, आई टू का वैल्यू कितना दिया हुआ है जीरो, आई थ्री का वैल्यू कितना दिया हुआ वन। ये सब वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल, यहां देख के टोटल, बस कुछ नहीं करना, सबका वैल्यू पुट कर देना है। तो यही काम यहाँ पे किया गया है, जहां जहां जैसे इस पहला क्वेश्चन है एस वन बार एस जीरो बार, तो एस वन कितना है भाई, तो एस वन ए है, एस जीरो क्या है बी है, तो ए बार बी बार हो गया। आई जीरो वैसे ही अभी छोड़ दिया, आई जीरो का वैल्यू बाद में रखेंगे, आई जीरो का वैल्यू यहाँ रख सकते थे जीरो डायरेक्ट, लेकिन बाद में नेक्स्ट स्टेप में रख लें, पहले सेलेक्ट लाइन को कन्वर्ट कर दिया, फिर इनपुट को कन्वर्ट कर दिया, सॉल्व किया तो देखिए क्या आया वाई बराबर बी, तो वाई बराबर बी आया। ये इस मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है, ओके, ये 4:1 मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट है, ओके तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे मल्टीप्लेक्सर आउटपुट देता है, कैसे मल्टीप्लेक्सर यूनिवर्सल लॉजिक गेट की तरह काम करता है, और भी मैंने जो जो टॉपिक इसमें क्लियर किया वो सारा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक लास्ट टॉपिक बच गया है जो आपका, वो है डी मल्टीप्लेक्सर, तो वो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी मल्टीप्लेक्सर बहुत ईजी है, ठीक है, आपको अगर मल्टीप्लेक्सर अच्छे से समझ में आ गया तो डी मल्टीप्लेक्सर में कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मतलब क्या ऐसे ही हो जाएगा हवा में, नहीं, मल्टीप्लेक्सर को उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना, जो जो चीज मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा जैसे आउटपुट लाइन जहां पे था उसमें यू इनपुट लाइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सेलेक्ट लाइन क्या हो जाएगा, सेलेक्ट लाइन अपनी जगह पर रहेगा, इनपुट आउटपुट की जगह हो जाएगा, आउटपुट इनपुट की जगह हो जाएगा, सब चीज सेम रहेगा, बस रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा, ओके। तो क्या है ये मैंने लिख दिया, इट इज बेसिकली परफॉर्म रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मक्स, ये क्या है मक्स का उल्टा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। अब मल्टीप्लेक्सर कॉम्बिनेशन सर्किट है जो क्या करता है, इसमें अगर हम बात करें उसमें, तो उसमें क्या था टू टू द पावर एन इनपुट लाइन होता था, मक्स अगर देखेंगे तो उसमें इनपुट लाइन कितना था टू टू द पावर एन, आउटपुट लाइन कितना था एक, लेकिन इसमें उल्टा होगा, यानी आपका आउटपुट लाइन कितना हो जाएगा टू टू द पावर एन और इनपुट लाइन कितना हो जाएगा एक। तो याद रखिए मक्स क्या करता है, मक्स क्या करता है मल्टीपल इनपुट को लेता है और सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, जबकि डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है मल्टीपल क्या हो जाएगा डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा सिंगल इनपुट को लेगा और मल्टीपल आउटपुट कन्वर्ट करेगा, उल्टा। यानी मैं अगर बात करूं एकदम सिंपल, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बारी बारी से, एक चीज बता दे रहा हूं बार बार, देखिए जैसे ये सिंपल मैंने बात किया कि ये 4:1 मार्क्स है, सपोज ये इसका सेलेक्ट लाइन डॉट हो गया, एक दो तीन चार इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, ये क्या गया 4:1 मार्क्स है, तो इसको उलट दीजिए मतलब इनपुट को आउटपुट में ले जाइए, आउटपुट को इनपुट में ले जाइए, सेलेक्ट लाइन वैसे ही रहेगा, यानी उल्टा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा ही हो जाएगा, ये इसका इनपुट हो जाएगा, अब आउटपुट ये हो जाएगा, एक दो तीन चार हो गया, सेलेक्ट लाइन वैसे ही रहेगा, ये क्या कहलाएगा 1:4 डी मक्स। ठीक है, तो कितना आसान है मल्टीप्लेक्सर अगर आप पढ़ लिया तो डी मल्टीप्लेक्सर करना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, बस उसको उल्टा कर देना, उल्टा कर दीजिए सारा फंक्शन क्या करने लगेगा डी मक्स की तरह। ये क्या करता है मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है, ये सिंगल इनपुट को मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट करता है डी मक्स। ठीक है, डी मक्स को डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहेंगे एनकोडर, यानी क्या करता है ये मल्टीप्लेक्स करता है, सिलेक्टर डेटा सिलेक्टर कहा मैंने जो, ये क्या करता है किसी एक को सिलेक्ट करके आउटपुट में भेजता है, जबकि ये एक इनपुट लेता है और मल्टीपल आउटपुट देता है, ठीक, इसीलिए इसका नाम है डेटा डिस्ट्रीब्यूटर, जबकि इसको कहते हैं डेटा सिलेक्टर, कोई सिलेक्ट किया ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक को मल्टीपल में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज था जो मैंने यहां लिखा है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सिमिलरली जैसे आप पढ़ा था 2:1 मार्क्स पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे 1:2 डी मार्क्स, जैसे ये क्या होता था उसमें इनपुट लाइन होता था, यहां भी क्या हो जाएगी आउटपुट लाइन, जैसे ये देखिए 1:2 सेलेक्ट लाइन एक है, वैसे ही जैसे वहां था वैसे यहां भी है, वहां आउटपुट क्या लिखते थे आउटपुट वहां एक साथ लिखते थे वाई बराबर एस जीरो, वहां पे आउटपुट क्या लिख रहे थे कि वाई बराबर एस बार आई जीरो एस आई वन, ऐसे करके लिख रहे थे, यहां अलग अलग आउटपुट लिखेंगे। डी जीरो के लिए क्या हो जाएगा, डी जीरो के लिए हो जाएगा एस बार ई, इनपुट को यहां पे इनेबल इनपुट ई से इंडिकेट करेंगे, यहां लिखाएगा एस बार ई। डी वन के लिए क्या लिखाएगा एस ई, तो देखिए ये दो आउटपुट आएगा एस बार ई और एस ई अलग अलग, ठीक है, क्योंकि अलग अलग आउटपुट ना है, वहां सिंगल आउटपुट था इसलिए एक बार में एक्सप्रेशन लिखा रहा था एक साथ, जबकि यहाँ आउटपुट क्या अलग अलग है तो अलग अलग लिखाएगा सिंपली। वैसे ही 1:4 डी मक्स अगर बात करें तो जैसे 4:1 मक्स पढ़ा था उसको उल्टा कर दीजिए, देखिए यहाँ एक हो गया इनपुट
फोर आउटपुट हो गया, सेलेक्ट लाइन एज इट इज सेम है। अब इसमें भी अलग अलग करेंगे तो D0 का आउटपुट क्या लिखेंगे, D0 के लिए हो जाएगा पहला, तो ये हो जाएगा S1 बार, S0 बार और E से मल्टीप्लाई कर देंगे, पहला आ जाएगा। दूसरा D1 लिखना है तो क्या लिखेंगे, S1 बार S0 E। तो देखिए ये चीज लिखा हुआ, S1 बार S0 E, S1 बार S0 E, ओके, S1 बार S1, S0 बार E, ठीक है। तो बारी बारी से ये जो पढ़ा था हम लोग उसमें किसमें पढ़ा है, मल्टीप्लेक्सर में पढ़ा है, सेम है, लेकिन उसमें क्या होता था प्लस 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 प्लस, क्योंकि आउटपुट में क्या था सारा क्या होता था मल्टीपल इनपुट आके सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट होता था मल्टीप्लेक्सर में, यहाँ क्या है सिंगल इनपुट आके मल्टीपल आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका आउटपुट इंडिविजुअली लिखेंगे इस फॉर्म में। ट्रुथ टेबल ऐसा ही हो जाएगा, सेलेक्ट लाइन ये हो गया और ट्रुथ टेबल यहाँ आउटपुट देने लगेगा, ठीक है। अगर 0-0 होगा तो कौन सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला आउटपुट आएगा, 0-0 हो जाएगा यानी सेलेक्ट लाइन, अगर 0-0 कर देंगे तो इनेबल लाइन पास करेगा किसको, D0 का जो बल्ब होगा वो जल जाएगा। वैसे ही 0-1 अगर करेंगे तो D1 जल जाएगा, अगर 1-0 करेंगे तो D2 जलेगा और 1-1 करेंगे तो D3 हो जाएगा, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट आसानी से आप समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इस लेक्चर को दोबारा देखें और पॉइंट आउट करें कि कहां आपको समझ नहीं आया, और अगर फिर भी समझ में कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको हेल्प करूंगा ताकि आप समझ में वो चीज आपको समझ में आ जाए, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एनकोडर एंड डीकोडर, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।